तो भैया इसीलिए कहा जाता है कि सुबह सुबह जब गाड़ी स्टार्ट करो तो 10 सेकंड के लिए चालू रखो, फिर उसे चलाओ, देखो जितने भी सारे सेंसर गाड़ी के अपने ऑन हो चुके हैं 80 डिग्री पे। हाँ अच्छा, थोड़ी देर नॉर्मल, इसमें से एक भी चीज़ खराब होती ना हाँ तो इधर नेट रिपेयर आ जाता है। अच्छा, अब इसको मैं गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डीजे खून वंस अगेन। तो यार सॉरी द वीडियो इज कमिंग सो लेट, आई होप ऑल यू आर एब्सोल्युटली फाइन। देख सकते हो यार रेनी सीजन, मतलब उदयपुर में बहुत ज़्यादा बारिश पड़ रही है। मैं आ गया था उदयपुर में, थोड़ा रूम का सेटअप वेटल हो रहा था इसलिए लेट आ रहा है वीडियो, सॉरी फॉर देट। तो यार आज का वीडियो होने वाला थोड़ा अलग, दिस इज बिकॉज मैं आज डिस्कस करूँगा अपना जो व्हीकल का ECU आता है ना, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट यूनिट या इंजन कंट्रोलिंग यूनिट जिसको कह सकते हो आप, तो आज उसके बारे में ही बात होगी। तो अगर चैनल पे अगर नए आया है तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना सबसे पहले, इट हेल्प मी टू मेक मोर वीडियोज। तो यार इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट यूनिट या इंजन कंट्रोलिंग यूनिट जो आप कह सकते हो, वो अपने सारे बॉडी के सेंसर जो गाड़ी में होते हैं सब कंट्रोल करती है। सब बताऊँगा एक्चुअली क्या क्या सीन है उसके अंदर, और यार मतलब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है यार वो एक ECU, मेरे को भी नहीं पता था इतना इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। तो यार एक्चुअली क्या सर्विस सेंटर में बहुत ज़्यादा शोर है, इसलिए क्या आप सुन नहीं पाओगे सही से, समझ नहीं पाओगे, इसलिए मैं ही बोल के बता देता हूँ। तो एक्चुअली बैटरी के नीचे जो अपना ECU का कनेक्शन होता है, तो उसमें सबसे पहले कनेक्शन कर रहे हैं जो कंप्यूटर से कनेक्ट होगा, और सब उसी में लॉगिन, पहले मेरा अकाउंट लॉगिन होगा जो मेरे रेजियर का है, इस गाड़ी का है। तो सबसे पहले इसके अंदर उन्होंने चेसिस नंबर डाला है इस गाड़ी के अंदर। चेसिस नंबर डालने के बाद सारी गाड़ी की इन्फॉर्मेशन अपने को इसमें ये प्रोवाइड कर देगा, लाइक कितने किलोमीटर चली है और किस चीज़ के लिए आपकी गाड़ी आई है, सर्विसिंग के लिए आई है या मेजर सर्विसिंग के लिए आई है या एक्सीडेंटल कोई गाड़ी एक्सीडेंट हो गया है उस रिपेयर के लिए आई है, तो सब ये फील करेंगे इसके अंदर। जैसे कि आप देख सकते हो मॉडल नंबर, मेरा मॉडल ये रही है, चेसिस नंबर दिखाएगा, इसमें सारी डिटेल दिखाएगा आपकी गाड़ी का, ये ज़्यादा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके बहुत सारे फीचर है मैं आपको बताऊँगा जाके। सारी चीज़ें ये सेव रखता है ECU अपनी गाड़ी के अंदर। तो फर्दर अगर हम आगे जाएंगे तो इधर एक ऑप्शन आता है डायग्नोसिस ऑफ माल फंक्शनिंग, एक माल फंक्शनिंग का आपको एक ऑप्शन आएगा इसके अंदर हम जाएंगे। तो एक्चुअली जितने भी अगर हमारे सेंसर जो गाड़ी में होंगे, अगर वो कोई भी प्रॉब्लम फेस करेंगे, लाइक गाड़ी स्टार्ट होने में कोई भी थ्रॉटल का जो सेंसर है वो अगर प्रॉब्लम फेस करेगा, तो सारे जितने भी सेंसर प्रॉब्लम फेस करेंगे वो इधर ECU उन प्रॉब्लम को इकट्ठा कर लेता है, मतलब सेव कर लेता है, और वो ऑटोमेटिकली रिकवर कर देता है उसको। तो ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, दिस इज़ बिकॉज जो भी अगर अपनी गाड़ी में इंजन ट्रबल लाइट ऑन होती है ना, वो इसी कारण होती है कि ये जो फाइल होती है बहुत सारी भर जाती है, इसके अंदर बहुत सारा डाटा इकट्ठा हो जाता है, तो इसीलिए इंजन ट्रबल लाइट अपनी ऑन हो जाती है, और या कोई सेंसर कुछ दिक्कत कर रहा होता है या प्रॉब्लम हो जाती है सेंसर में। तो फर्दर अगर हम दूसरे ऑप्शन में जाएंगे तो यहाँ पे लिखा है डायग्नोसिस ऑफ फंक्शनिंग, लाइक जितने भी सेंसर हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे आता है थ्रोटल का सेंसर, लाइक थ्रोटल का जो सेंसर है ये इसको चेक करेंगे कि काम कर रहा है कि नहीं कर रहा सही से। और सेकंड ऑप्शन इधर आएंगे कि अपने इनटेक एयर प्रेशर का आएगा इधर सेकंड ऑप्शन, और इनटेक एयर टेम्परेचर का भी इधर ऑप्शन आएगा आपको। सारे टेम्परेचर जितने भी सेंसर है ना सब ये जैसे लेफ्ट साइड में जो नंबर आपको दिख रहे हैं ना और राइट साइड में जो नंबर दिख रहे हैं उनको ये मैच करते हैं, इसमें इट्स ओके, इट्स वर्किंग गुड। अभी तक मेरे को इन्होंने बताया कि कोई भी गाड़ी में आपकी जितने भी सेंसर लगे हुए हैं उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो हम खाली आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहे हैं कि अपना ECU जो होता है कैसा काम करता है। ये घूम रहा है, वो व्हील घुमा रहा है, वो भी ले लो, वो व्हील घुमा रहा है, घुमा व्हील को घुमा, आपका व्हील सेंसर काम कर रहा है, समझ रहा है, फिर रेस मत देना। ये फ्यूल सिस्टम वोल्टेज, बैटरी का वोल्टेज है 11.9, ये इंजन टेम्परेचर है 38, ब्लू येलो लेड ऑफ ECU मतलब ऑन है, चाबी ऑन है, ये इग्निशन कॉइल है। अब जो ये राइट वाला सिस्टम है वो वर्क, उसको एक्चुएट कराऊंगा मैं इधर से, इधर से मैं इसको एक्चुएट दूंगा, वो अंदर काम करेगा। अच्छा, जैसे जैसे इग्निशन कॉइल है, स्पार्क प्लग के आगे इग्निशन कॉइल लगती है, वो पावर देती है, तब स्पार्क प्लग में पावर आता है। तो अभी मैं इधर क्लिक करूंगा कि एक्चुएटर पे, तो वहाँ इग्निशन कॉइल है ना, वहाँ से आवाज आएगी कट कट कट, ये जो कंडीशन है ऐसा काम अंदर हो रहा है, वहाँ पे बारीक से आवाज आ रही है, कट कट आवाज आती है, इग्निशन कॉइल लगी हुआ उस जगह पे। अच्छा ठीक है, और ये इंजेक्टर है, इंजेक्टर के भी आएगी, आप वहाँ जाके सुनोगे कि इंजेक्टर
अंदर इंजेक्टर लगा हुआ सीट के अंदर। अच्छा इधर आती है, जहाँ सिस्टम लगा है ना, वो आते ही तुम्हें इंजेक्टर नहीं बोल रहा था, इधर साफ करना पड़ता है। वो अंदर अभी पेट्रोल फेंक रहा है, वो पेट्रोल है क्या? अच्छा पेट्रोल अभी अंदर फेंक रहा है, मेजर से वर्क करना हो, जैसे नाक छींक नहीं मारता है, ऐसे जहर फेंकता है वैसे। अच्छा ये अभी हेडलाइट है, अब मैं जब टच करूंगा हेडलाइट आपकी काम कर रही है कि नहीं कर रही है वो बताएगा। मैं हेडलाइट पे क्लिक करूंगा, हेडलाइट ऑन होगी, आप आगे चले जाओ अपने आप। एयर कंडीशन होती है जो बोल रहा है कि वो काम अंदर हो रहा है। अच्छा ये जैसे बोल रहा है एक्टिवेट द हेडलाइट रिले फॉर 5 cycles of 5 seconds। अच्छा 5 seconds के बाद 5 हेडलाइट ऑन ऑफ होगी, समझ गया? FID फास्ट है, अंदर FI का है, जो FI सिस्टम लगी हुई ना वो इसमें ये काम कर रहा है। जैसे एक्टिवेट एंड फुल्ली क्लोज द IC वाल्व, देन ओपन इट टू द स्टैंडरी ओपनिंग पोजिशन व्हेन द इंजन इन स्टार्टेड, मतलब वाल्व को ओपन कर रहा है और बंद कर रहा है, मतलब ये वर्क कर रहा है अंदर। फॉल्ट फॉर डिस्प्ले, मतलब आपकी गाड़ी में कोई भी बोर्ड है ओपन है तो इधर 0 नहीं बताएगा, इधर 1 बताएगा, मतलब मैं वो डिलीट करना बाकी है अपने। अच्छा। पहले जो डिलीट करके नहीं आए कोई कोड होगा इधर बता देगा आपकी गाड़ी में, ये अपने हो गया। इसमें और भी फीचर है एडवांस, जैसे कोई दिक्कत आती है तो उसके लिए हम आगे काम करते हैं ऐसे। ये डायनेमिक इंस्पेक्शन है ये वाला, इसमें अपने गाड़ी के सारे सेंसर ओपन होंगे। स्टार्ट कर दें अभी, क्या ये बोल रहा है? मैंने देखा इंफेक्शन के ऊपर क्लिक किया, देखो ये नॉर्मल है आपका सारा, ये सारे सेंसर जो गाड़ी के अंदर आते हैं, ये बैटरी वोल्टेज है 12 से, हाँ ये 12 से 15 होना चाहिए, अच्छी बैटरी 13 वोल्टेज है, समझ गया, 5 से 120 होना चाहिए, 97 तो ऑस्मोस्फीयर, मतलब बाहर का जो ऑस्मोस्फीयर है प्रेशर, सेंसर कितना ऑस्मोस्फीयर प्रेशर, तो 97 kPa है। फिर थ्रोटल पोजीशन सेंसर वोल्टेज 1 से 5 के बीच में होना चाहिए, 1 वोल्टेज है। फिर इंटेक एयर प्रेशर सेंसर है वो 5.0 से 120 तो 46 kPa है। फिर इंजन स्पीड RPM, ये मेन चीज़ है, ठीक है। अच्छा ये 1200 से 1400 के बीच में होना चाहिए, 1200 से 1363 है, एक RPM ज्यादा होगा तो आपका एवरेज ज्यादा देगा और गाड़ी रेस करेगी। अच्छा वो RPM है, आपने यूट्यूब में कहीं देखा होगा। इंजेक्टर ड्यूरेशन है 0.3 से 5.0, जैसे ड्यूरेशन नहीं मैं बता रहा था, अभी इतने ड्यूरेशन से वो इंजेक्टर है कि वो पेट्रोल दे रहा है। अच्छा 3 maxios और फिर जो पेट्रोल जो दे रहा है उसका है। फिर इग्निशन टाइमिंग है 3 से 7, 5 होनी चाहिए, 3 से 7 के बीच में होनी चाहिए, अभी 5 है। फिर इंजन टेम्परेचर, कूलेंट टेम्परेचर, इंजन का टेम्परेचर अभी इतना है। अच्छा हाँ 180 से 150 से ज़्यादा है, मतलब गाड़ी हीट कर रही है अभी 80 है ऐसे। ये O2 सेंसर है, ऑक्सीजन सेंसर, वो अभी साइलेंसर के नीचे लगा हुआ है। अच्छा O2 सेंसर है ये। फिर IC वाल्व है, ये वाल्व है वो ओपन करता है जो FI में लगता है। अच्छा ओपन करता है क्लोज होता है उसका है 27% है, 1 से 99 होना चाहिए ओरिजिनल नॉर्मल, इसमें से एक भी चीज़ खराब होती ना तो इधर नेट रिपेयर आ जाता है। अच्छा अब इसको मैं सेव कर रहा हूँ, सेव किया, ये डाउनलोड का ऑप्शन है, फिर आप प्रिंट, ये प्रिंट का ऑप्शन है, ये डाउनलोड का ऑप्शन है। अच्छा इधर मैं डेस्कटॉप पे रख रहा हूँ। आई होप ये वीडियो आपको थोड़ा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, दिस इज़ बिकॉज़ यूट्यूब पर मैंने बहुत कम देखे हैं ऐसे वीडियोज़ जो हैं। सो वीडियो क्या है एक्चुअली बहुत पहले से बना हुआ था, मेरे को एडिटिंग का टाइम नहीं मिल रहा था। सो एक्चुअली भैया ने एक बात अच्छी बताई कि आप सुबह सुबह जब गाड़ी को स्टार्ट करो ना तो 10 सेकंड के लिए स्टार्ट रखो, जो उसको 1-2 किलोमीटर तक 30 या 40 की स्पीड में चलाओ, उससे क्या सारे सेंसर जो बॉडी के होंगे वो अच्छे से काम करेंगे। और यार लोगों के बाद प्रॉब्लम आ रही है वो मैं अगले वीडियो में एक पर्टिकुलर वीडियो बनाऊंगा उसके लिए, जो जितनी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं और कुछ कमेंट भी है उसका वीडियो मैं बनाऊंगा अलग से। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अच्छे से एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।